अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तुरई गोश्त की रेसिपी, जो बनने में बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी ये रेसिपी है। तो तुरई के सीज़न में आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम लोग इस तरह से तुरई में गोश्त बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह से एक बार बनाएं और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो तुरई, इसे नेनुआ भी कहते हैं, तुरई भी कहते हैं। तो हमने इसे 1 किलो लिया है छील के, और बीच में से जीरा लगा के हाफ ऑफ करके मैंने इसे स्लाइस करके काट लिया है। 1/2 किलो हमने गोश्त लिया है, थोड़े से हड्डी, थोड़े से मिक्स टाइप का गोश्त लिया है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं। 3 तेज़पत्ते इस तरह से रखे हुए, और यहाँ पे 3 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच भर के, 1 चम्मच गरम मसाला है 1 टीस्पून, और यहाँ पे पाउडर मसाले हैं कुछ, और इसी में हमने खड़े मसाले भी ले रखे हैं। तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, थोड़ी सी दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े हैं, 10-15 काली मिर्च है, और 4 लौंग है, और 3 हरी इलायची है। तो यहाँ पे खड़े मसालों का कुछ भी आदमी थोड़ा बड़ी इलायची सभी चीज़ें मिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इतना लिया है क्योंकि हम गरम मसाला ऊपर से डालेंगे, थोड़े से अभी खड़े मसाले डालेंगे। तो बस इसी के साथ बस इतने ही सामान में आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक कुकर लेंगे और इसमें हम सबसे पहले अपना ये गोश्त डाल देंगे, और सभी मसाले सिर्फ तुरई छोड़ के हम सभी मसाले इसमें हम डाल देते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसीजर से ये बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसमें नमक के साथ सभी पाउडर मसाले और खड़े मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कच्चा तेल। तेल अपने हिसाब से आप कितना लेना ले लें, हम इसमें करीब 100 ml ऑयल डालेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर करीब 1 कप पानी हम इसमें डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें जैसा आपका गोश्त है। अगर आपने नरम गोश्त लिया है, मटर लिया है, या तो उसमें आपको सिर्फ 1 कप ही पानी काफ़ी होगा, लेकिन अगर से आप बीफ ले रहे हैं तो आप पानी ज़्यादा बढ़ा के डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हमें पानी चाहिए वरना हमारा गोश्त जल जाएगा। इस हिसाब से आप पानी डालें। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे गैस पे हमने इसे रख दिया है, और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद इसकी हीट हम कम कर देंगे, लो कर देंगे। लो करने के बाद इसे हम करीब 10 से 15 मिनट इसे हम लो हीट पर पकने देंगे, उसके बाद इसकी गैस को बंद कर देंगे। लेकिन आपका अगर से गोश्त हार्ड है तो उस हिसाब से आप इसे 20 से 25 मिनट 30 मिनट भी करा सकते हैं, उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा। ये गोश्त पर डिपेंड करता है कितना पानी डालना है और कितना टाइम हमें इसे लो हीट पर पकाना है। तो हम इसे 10 से 15 मिनट ही 12 मिनट 15 मिनट इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और उसके बाद हम खोल के आपको दिखाते हैं। तो इसकी जो प्रेशर है वो ख़त्म हो चुका है खुद से। अब हम अपने गोश्त को चेक करते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है, तो हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा गोश्त सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे हीट पे रख के अच्छे से इसका पानी पूरा खुश्क होने तक भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे हाई हीट पे रख दिया है, और हाई हीट पे ही इसे हम एकदम इसका पूरा पानी खुश्क हो जाने तक इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा गोश्त जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमने भून लिया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल अलग हो गया है। अब हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे अपनी तुरई, अच्छी तरह से चलाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम मिक्स करेंगे और मीडियम हीट कर देंगे, और इसे ढक्कन इस तरह से बस ऊपर से इसे रख देंगे ताकि ये हमारी सब्ज़ी गल जाए, पानी छोड़ दे। तो यहाँ पे देखें 5 से 6 मिनट बाद देखिए हमारी जो तुरई है काफ़ी गल गई है और पानी इसमें काफ़ी छोड़ दिया है। अब हम इसे फिर से भूनेंगे, और इसे इतना भूनेंगे कि काफ़ी इसमें तेल अलग हो जाएगा, और 80-90% इसे भूनेंगे, हल्का सा पानी छोड़ेंगे बस। तो यहाँ पे देखें सब्जी हमारी अच्छे से घुल गई है, और करीब इसका 80% पानी ख़त्म हो गया है और 20% रह गया होगा। तो इतना तो हमें हल्का सा चाहिए, और बाकी इसकी जो सब्ज़ी की स्मेल होती है हरी हरी सी महक की, वो तो ख़त्म हो गई होगी क्योंकि हमने इसे काफ़ी हद तक भून लिया है। अब इसमें हम इसमें अपना गरम मसाला डालेंगे और हरी धनिया डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हीट बंद कर देते हैं, बस हमारी ये सब्जी तैयार है, तुरई और गोश्त, और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बस ये बहुत ही ईजी सी और सिंपल और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी हमारी बनके तैयार है। तो आप इस तरह से इसे ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।